हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, और मैं भी यही कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे इसमें समझा पाऊँ और काफ़ी आसान तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है जो कि मैंने यहाँ डेस्क पर रख लिए। तो हमें चाहिए एक बल्ब, एक होल्डर, टू पिन टॉप, दो हमने लिए ये प्रोब लिए मैंने मल्टीमीटर से निकालिए। ये अगर आपके पास पुरानी रखी हो, ये मेरे पास पुरानी थी तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास पुरानी रखी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको बनाने का तरीका एकदम सिंपल, एकदम आसान है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो हमने इसके लिए कुछ वायर भी लिया है, तो दो वायर हमने लिए, रेड और ब्लैक, ठीक है। तो इनको मैं ऐसे जमा देता हूँ। तो ये जो हमारे पास में रेड वायर है, हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो एक ऐसा वायर स्ट्रिपर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप प्लास वगैरह की मदद ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से छील देंगे, ठीक है। इसको छील दिया, और ये जो दूसरा वाला मुंह है इसका, इसको भी हम छील देंगे। तो ये वायर को हमने दोनों साइड से काट कर छील लिया है। अब क्या करना है कि जो हमारे पास में होल्डर है, इस होल्डर को खोलना है। इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट में हमें क्या करना है, जो हमारा रेड वाला वायर था इसको अटैच करना है। तो एक पॉइंट हमने टाइट कर दिया, वहीं दूसरा पॉइंट लेंगे और दूसरा पॉइंट भी सेम इसी में डालकर टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वायर था हमारा रेड वाला, हमने इसको बीच में से काट कर और होल्डर पर अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वायर है हमारे पास में, तो सबसे पहले इसमें एक गिठान दे देंगे यहाँ पर, ताकि इसके वायर लूज ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पे गिठान दे दिए। गिठान देने के बाद हम क्या करेंगे, जो होल्डर का ऊपर का बेस है इसमें दोनों वायर को हम निकाल देंगे, ठीक है। ये हमने निकाल दिया, अब इसको हम वैसा का वैसे टाइट कर देंगे। तो गिठान देने से होता क्या है कि ये जो वायर है ये ज़्यादा खिंचाता नहीं है, जहाँ हमने टर्मिनल इसके अटैच किए वहाँ से खिंचाएगा नहीं। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम वापस लंबा करके यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आप एक साइड क्या कीजिए कि जो दो वायर हैं इन पर लगानी आपको ये वाली टॉप। तो इस टॉप को भी हम खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये हमने इसमें अटैच कर दिया। अब हमारे सीरीज जो है वो बन के कम्प्लीट हो गई है। तो ये दो मुंह इसके इधर इधर इस साइड पे रखे हुए हैं, ये दो मुंह इस साइड है, ये हमारे जाएगा 220 वोल्ट एसी सप्लाई इसको मिलेगी, तब जाके ये वर्क करेगा। तो एक बार इसको चला कर देखते हैं। तो ये मैं इसमें लगा दूंगा, इसको लगाने के बाद अब हम इसको सप्लाई देंगे। ओके फ्रेंड, तो अभी मैंने इसको सप्लाई दे दी है, और ये जो दो वायर इनको टच करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो ये हमारी सीरीज बन के कम्प्लीट हो गई है। बाकी होता क्या है कि ये जो चीज़ हमने बनाई है सीरीज, ये हमारी परफेक्ट कम्प्लीट हो गई है, पर ये जो मुंह दिए हुए दो, तो इन पे क्या है कि हम जो बड़ी चीज़ है वो चेक कर सकते हैं। बाकी जैसे अगर ऐसे मोटर वगैरह हो, ये हमारे पास डीसी मोटर है, बस मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर इसमें ये जिक दी हुई है, ये देखिए इसमें जिक में कितने छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं, ये देखिए ये कितने छोटे छोटे पॉइंट इस पर दिए हुए हैं। तो इनमें क्या है कि वायर जैसे अटैच करते हैं तो इनमें सही से लग नहीं पाते। मैंने दो ये निकाल के रखी है जो कि मल्टीमीटर की पिन है। अब इन दोनों प्रोब को हम दोनों में अटैच कर देंगे। तो इनको भी अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो प्लास की मदद से ईजीली खुल जाता है। तो इन दोनों को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या है कि जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले को ब्लैक वाले के अंदर डाल देंगे। जो ब्लैक वाला वायर है उसको ब्लैक प्रोब के अंदर डाल दिया है, और जो रेड प्रोब है उसके अंदर रेड वाले वायर को डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम ये भी कम्प्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में छिले हुए रखे हुए हैं, तो इनको क्या करना है कि ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हो, ये इसके अंदर हमें सोल्डरिंग कर देनी है। चाहो तो आप इसे बांध भी सकते हो, बांधने से अच्छा आप इसको सोल्डरिंग कर दो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर ये टूट जाए कर जाए तो हमारी सोल्डरिंग उतरे नहीं। तो मैं इसको सोल्डर कर दूंगा। अगर आपका काम इनसे कम्प्लीट चल जाए तो आपको ये पिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरा काम जो है
वो अगर छोटी छोटी पिन है तो पिन को मैं टेस्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे प्रोब ज़रूरी है ताकि मैं हर एक पिन पर लगा कर इनको टेस्ट कर सकूँ। इसीलिए मैं ये पिन इस पर अटैच कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों मैंने इस पर सोल्डर कर दिया है। सोल्डर करने के बाद हम इसको वापस अंदर की तरफ पुश कर देंगे। ठीक है, ये मैंने अंदर पुश कर दिया, दूसरी भी सेम ऐसे इसके अंदर पुश कर देंगे। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ भी कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो बनकर ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ऑन करते हैं, फिर इन थिम्बल को टेस्ट करेंगे। तो ये मैं लगा देता हूँ हमारे सप्लाई में, ये सप्लाई में लगा दिए मैंने। अब इसको ऑन कर कर देखते हैं। तो ये देखिए काफ़ी परफेक्टली हमारे वर्क कर रही है। अब हम इसको कुछ टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैं मोटर ले लेता हूँ, तो इससे हमें काफ़ी अच्छी तरह से और आइडिया लग जाएगा। तो मोटर पे हमारे तीन वायर दिए हुए हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो इनको ही चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन रनिंग, ये देखिए डिम ग्लो कर रहा है। और अब इसकी अर्थिंग चेक कर लेते हैं, तो अर्थिंग ये देखिए शॉर्ट नहीं है, तो अर्थिंग इसमें नहीं बता रहा है। दूसरा वायर लगाते हैं, दूसरा वायर भी अटैच करके देखते हैं, तो यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तीसरा वायर अटैच करते हैं और तीसरे वायर पर लगाते हैं, तो यहाँ भी हमें शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। यानी कि ये हमारी जो सीरीज है वो अच्छे से वर्क कर रही है। और इसमें सेफ्टी आप देखिए डबल सेफ्टी हो गई है। आपके पकड़ने के लिए आपको दो प्रोब मिल गई है, ताकि आप इजीली कोई भी चीज़ आपको चेक करनी तो आप यहाँ से लगाकर चेक कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने सीरीज टेस्ट लैम्प को बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।